एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। और ये मैं अपने न्यू फ़ोन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। आज अभी शाम का टाइम है, इवनिंग, और मैं जस्ट अभी मुश्किल से आधा घंटा हुआ है, तो जस्ट क्या हमने आधा घंटा हो गया है मुझे आए हुए जिम से, वर्कआउट वगैरह सब हो गया है। और अभी बज रहा है 6, और कल तो मैं 6:15 बजे ऐसे आती हूँ डेली, बट आज मैं थोड़ा और जल्दी आ गई थी, बिकॉज़ आज मुझे जाना है, मार्केट जाना था, इसी वजह से। एक दो चीज़ें लानी है, साड़ी के ब्लाउज़ की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नेट का उसके फैब्रिक चाहिए। तो ये मेरा न्यू सेट है, और टाइम में सोच रही हूँ ब्लॉगिंग करूँ 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 करूँ, बट ना बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था मोबाइल की क्वालिटी को लेके, बहुत ज़्यादा वो था। बट आप लोग बता सकते हैं कि क्वालिटी कैसी है? अच्छा, फूल वाले आम का है। और बस आज नॉर्मल लंच वगैरह हमारा हुआ था, और इस वाले फ़ोन के फीचर्स माशाल्लाह बहुत, मतलब क्या कहूँ, बहुत ही अच्छा है। और बस अभी मैं जाऊँगी मार्केट के लिए, रेडी होंगे और चाय वगैरह सबसे पहले तो पियेंगे। अभी ये गए आयान को छोड़ने के लिए सिस्टर के यहाँ, क्योंकि अकेले पता नहीं हम लोगों को इतना टाइम लग जाएगा, तो फिर आयान इतनी देर रहना, तो आयान को सही नहीं लगा कि मैं आयान को छोड़ूं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। एंड ये वाला आउटफिट मैं इस बार जिम का आज पहन के गई हूँ, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये मेरे लाइन से पार्सल आए हुए हैं, ये ब्रांड के हैं, जो जब अप्रूवल आएगा सो तब वीडियो बनाऊंगी मैं ये वाले। यहाँ स्प्रे वगैरह कुछ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं फ़िलहाल, और अभी सेट करूँगी। ये कल कैलेंडर आया था, यहाँ पार्क में कुछ हो रहा है, मतलब क्लीनिंग वगैरह, उसी के लिए। ये है मेरा पुराना सेट पुराना क्या, न्यू है। और आज आपको दिखाती हूँ, किचन की क्लीनिंग किया था। और हाँ, आज मेरा ये नया सेट आया है, ये मंगाया मैंने, ये चीला बोल सकते हैं आप, और आप कई कई चीज़ें इसमें बन सकती है, चीला वगैरह का साइज़ जो है ना, ये अलग, इसमें इतने छोटे छोटे साइज़ के अच्छे लगते हैं, इकट्ठा बन जाते हैं। बस इसका ना ये सेट करना है मुझे। उप्स, इसमें स्क्रब भी मिला हुआ है प्लास्टिक का, जिसकी वजह से मतलब इसमें निशान नहीं आते, मैं यहाँ रख दी। और हाँ, ये वाला मैंने सेट कुछ इस तरह से किया हुआ है। वाओ, नाइस क्लियरिटी। तो मैंने टॉर्च लगा ली ना, तो बहुत ही अच्छी क्लियरिटी लग रही है। वाओ, अमेजिंग। तो आप लोग बताएगा इसकी क्लियरिटी आपको कैसी लग रही है बैक और फ्रंट में। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फ़िलहाल रख दिया है, ये कॉफ़ी है, टी, शुगर, एंड ये ना मैगी मसाला रख दिया था मैंने, इस तरह से डेकोरेट मैंने किया हुआ था पहले से फूल ये वाला। और ये डेट्स मैं खाती हूँ मीठे में, तो मैंने इसको सामने रखा हुआ है ताकि सामने याद रहेगा। ये वाला कॉर्नर, इसको भी देखूँगी, अगर चेंजेस हो पाएगा तो करूँगी, पर आई थिंक ऑप्शन नहीं है चेंजेस करने के। सो जो चीज़ जहाँ वहीं रहेगी बस, बट जो क्लीनिंग करनी है ना वो चीज़ क्लीन कर दूँगी मैं बस। तो ये सब चीज़ें मैंने सेट किया था, और ये तो आपने देखा होगा कॉर्नर, शायद पता नहीं देखा है कि नहीं। तो मैंने ये मॉम्स एंड किचन वाला मैंने ये यहाँ पे हैंग किया हुआ है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे जो हैंग किया है। और ये मेरा निकल गया, तो ये अलग से मैं कहीं और सेट करने वाली हूँ अलग से। ये यहाँ पे बस क्लीनिंग थोड़ी करूँगी, बाकी अभी कुछ दिन पहले मैंने जस्ट क्लीन किया है, किचन क्लीन करती रहती हूँ तो गंदा नहीं रहता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से है ये वाला सेक्शन, जो मैं यहाँ पे कुछ कप रखा है मैंने, और ये डेकोरेशन किया है, यहाँ धूल मिट्टी देखिए, ओ माय गॉड, बहुत धूल मिट्टी होती है, तो इसको भी क्लीन करूँगी मैं। तो इस तरह से है। सबसे बड़ी गुड न्यूज है, सिया के बर्थडे की तैयारी हो रही है, एंड फिर से एक लॉन्ग टूर, बट कहाँ जा रहे हैं वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए क्योंकि पहले से बताना, मतलब ये होता ना कि कभी जा ना पाए, मतलब वैसे तो जाएंगे, रिजर्वेशन हो गया है फिलहाल हम लोगों का, तो सिया बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। एंड अभी कितना, अभी जस्ट हो गए, अभी तो काफी टाइम है, जस्ट आज से एक महीना, 17 का है, हाँ 17 का, ये वाला महीना था, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा घूमने का, वही गॉड, बहुत टाइम से प्लानिंग करते करते। और यहाँ पे मुझे जाना था मार्केट, तो फिर सिया हम लोगों ने एक एक ग्लास जो है ना जूस पिया था, और उसके बाद जूस पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ ना हम लोग काफ़ी दूर गए थे, तो ये मुझे
ऐसे ही एक बैंड लेना था जिम जाने की वजह से, तो मैंने ऑनलाइन नहीं लिया था, तो वो लेकर हम लोग आ गए थे रेस्टोरेंट। एंड ये सिया का बहुत फेवरेट है, विजयनगर मतलब वो साइड कानपुर में पड़ता है ये वाला रेस्टोरेंट। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आकर बहुत मज़ा आया, मतलब फर्स्ट टाइम ही सॉरी, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ बट इस बार काफ़ी टाइम बाद आया हूँ कि आई हूँ इसीलिए। और यहाँ उठे ना तो उससे पहले हम लोगों ने नाश्ता तो मैंने कर लिया था, फिर यहाँ आलू की चिप्स वगैरह है ये कट कर रहे थे, तो काफ़ी इन्होंने कट कर लिया था। आज और इसको भी सेकेंड डे उबालने है के बाद जो है छत पे जाएंगे और ये। मैंने ना ये वाला लिप बाम लगाया है, न्यू वाला कफ्स एंड लैशेस का है, ये लिप टिंट है एंड ये इसको चिक्स पे और आई शेडो के इस पर भी लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी डार्क लग रही। तो बस अभी ना पापड़ सुबह उबले हैं, ऊपर भी डाल दिया मैंने, अभी कुछ शूट भी नहीं किया क्योंकि जल्दी थी जल्दी डालने की, और अब खाना थोड़ा लेट हो गया, होता ही है पापड़ में, तो आलू उबालने के लिए रख दिया मैंने, तो ये कहते हैं अब आलू के पराठे अब बना लो नहीं तो फिर गर्मी में वैसे भी कोई नहीं खाता है, तो इसलिए आलू उबालने के लिए रख दिया है। और आज मैंने ये वाली पहना है ड्रेस और ये वाला ये लोअर है ये, एंड ये वाली मेरी बहुत पुरानी टी शर्ट है। देखिए यहाँ पे क्या हाल है, यहाँ पे इतने सारे आलू उबले रखे हुए, उबले नहीं सॉरी मतलब कच्चे हुए रखे हुए हैं यहाँ पे, और चलिए ऊपर दिखाती हूँ। ये आइडिया सही है, ये देखो छाता लगा के मैं धूप में पसा रही थी आलू और ये यहाँ पलटने आए हैं। पलट रहे चिप्स,
और उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, आलू थोड़े बहुत मैंने पलटे, इन्होंने पलटे, और सुबह ना बच्चों ने हम सब ने मिलके जो है ना आलू अच्छे से मतलब वहाँ पे सेट किए थे, बट इन्होंने बच्चों को तो नहीं इतना, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। या मेरे हेयर बहुत अच्छे से सूख गए थे क्योंकि मुझे जाना था पराठे बनाने के लिए, और सुबह मैंने और हम दोनों ने मिलके आलू अच्छे से फैला दिए थे। और यहाँ ना खूब सारी धनिया ये लेकर आया थे, तो ये हुआ कि धनिया ना कट करके रख लो ना, तो टाइम की काफ़ी बचत होती है। जब भी आपको किसी चीज़ में ऐड करना है तो बस फटाफट धुल के जो है ना कटोरी में रख लें पानी में, और उसमें धुल के सुखा लें थोड़ा सा किसी भी छन्नी वगैरह में। और हाँ, कभी भी धुल के आप कट करके ना रखें, नहीं तो धनिया सड़ जाती है। फिर मैंने आलू, मैंने नॉर्मल हरी मिर्ची, नमक और धनिया ऐड किया था, और काफ़ी टेस्टी आलू भी पराठे बने थे। तो इनका मन था आज आलू के पराठे खाने का, और आलू काफ़ी ड्राई थे, सो ज़्यादा गीला हो जाता है तो फिर अच्छे से पराठे भी नहीं बन पाते हैं। और आज मुझे इतना संडे को, हर संडे बहुत काम बढ़ जाता है, और मेरे सब्सक्राइबर हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब लाइव करने के लिए, पर क्या करूं, इतना बिज़ी हो जाती हूं मैं संडे को। और संडे को हाँ दिन भी है, टाइम मिलता है कि मैं थोड़ा रेस्ट भी कर सकूं, नहीं तो हमेशा डेली पूरा वीक ना तो काम करो, फिर किसी तरह से 2 बजने वाले होते हैं, फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, ये वो, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेडेक रहता है। और फिर शाम को जिम जाना, और ये मेरा साथ में बात करते करते पराठे भी बन गए, काफ़ी ज़्यादा यमी बने थे, तो बहुत से काम हो जाते हैं। कैसा बना है? इधर देखो, सही में आज मैं खा रही हूँ आलू के पराठे बहुत टाइम बाद। अरे पूरी ठंडी हो गई क्या? मुझे पता ही।